फरीदा जलाल को हर हीरो बनाना चाहता था बहन। दिलीप कुमार के कारण टाइपकास्ट हुई थी एक्ट्रेस। फरीदा जलाल का करियर 60 के दशक में शुरू हुआ था। उन्होंने एक कॉन्टेस्ट जीता था और इसके बाद उन्हें फिल्में ऑफर होने लगी थीं। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब फरीदा को बहन के रूप में कास्ट करने की होड़ मच गई थी। दिलीप कुमार की वजह से हर हीरो की बहन बन गई थी फरीदा जलाल। वैसे तो फिल्मों में हीरो और हीरोइन की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन एक दौर था जब बहन के किरदार के लिए फरीदा जलाल हर तरफ छाई हुई थीं। आलम यह था कि हर एक्टर फिल्म में उन्हें अपनी बहन बनाना चाहता था। बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने आईं, लेकिन बहन बन गईं और फिर धीरे धीरे मां के रोल में फिट हो गईं, लेकिन इनकी डिमांड कभी कम नहीं हुई। 14 मार्च 1949 को उनका जन्म हुआ। उन्होंने 50 साल के अपने करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और पहचान हासिल की। उनकी पहली मूवी से लेकर प्यार और शादी तक, जानिए सब कुछ। फरीदा जलाल का जन्म मुंबई में हुआ और 60 के दशक में उनके करियर की शुरुआत यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स टैलेंट हंट जीतकर हुई थी, जिसे फिल्म फेयर ने स्पॉन्सर किया था। उनके साथ राजेश खन्ना ने भी ये कॉन्टेस्ट जीता था। इसके बाद तराचांड बरजातिया ने उन्हें पहली मूवी तकदीर ऑफर की। बाद में फरीदा ने राजेश संग आराधना मूवी में भी काम किया। फरीदा जलाल ज्यादातर फिल्मों में मेल लीड की बहन या फिर रिजेक्टेड मंगेतर का किरदार निभाई थीं, लेकिन फीमेल लीड के ऑफर कम ही मिले। उन्हें बॉबी से पॉपुलैरिटी मिली, जिसमें उन्होंने आरशी कपूर की मानसिक रूप से बीमार मंगेतर का दमदार रोल निभाया था। 80 के दशक में उन्हें बहन के बाद आंटी, मां और दादी के किरदार ऑफर होने लगे। जब फरीदा जलाल से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वो एक हीरो की बहन के रूप में कैसे टाइपकास्ट हुई, तो उन्होंने जवाब में कहा था, ये सब गोपी के साथ शुरू हुआ, जहां मुझे महान दिलीप कुमार की बहन का रोल ऑफर हुआ था। मना करने के बारे में भूल जाओ, मैंने तुरंत इस ऑफर के लिए हाँ कर दिया था। भले ही मुझे बस जाकर सेट पर उन्हें देखने का मौका मिला होता तो मैं कर लेती, मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे याद है कि उन दिनों हर एक्टर दिलीप साहब की नकल कर रहा था, चाहे वो धर्मेंद्र हो, जीतेंद्र या मनोज कुमार। मैं दिलीप साहब की बहन के रूप में बहुत ज्यादा डिमांड में थी। हर हीरो वही चाहता था, एक्टर चाहता था कि मैं उनकी बहन का किरदार निभाऊं, कभी फिल्म की हीरोइन की बहन भी। फरीदा जलाल ने आगे कहा था, एक्ट्रेसेस सिर्फ अपने गाने गाती थीं, जबकि मेरे पास सभी ड्रामा वाले सीन्स थे। मुझे मेरी पहचान और अवार्ड्स मिले। पारस मूवी में मैं संजीव कुमार की बहन थी, लेकिन राखी दी, जिन्होंने हीरोइन का किरदार निभाया था, उनके अलावा भी मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ था। मुझे इसके लिए मेरा पहला अवार्ड मिला। फिर मुझे दूसरा अवार्ड मजबूर के लिए मिला, जो सलीम और जावेद की लिखी एक मूवी थी, जिसमें बच्चन साहब मेरे भाई बने थे। ये बहुत दिलकश था। जब मुझे बहन के रूप में मजबूत किरदार मिल रहे थे, तो मैं एक्ट्रेस क्यों बनना चाहूंगी। निजी जिंदगी की बात करें तो फरीदा जलाल ने एक्टर तबरेज बरमावर से शादी की थी, जो कर्नाटक के भटकल के रहने वाले थे। वो जीवन रेखा मूवी के सेट पर तबरेज से मिली और फिल्म के दौरान उन्हें प्यार हो गया और नवंबर 1978 में शादी कर ली। चूंकि उन्हें शादी के बाद बहुत ज्यादा मूवीज के ऑफर्स नहीं मिल रहे थे, तो ये कपल बेंगलुरु चला गया, जहां उनके पति का साबुन फैक्ट्री का बिजनेस था। इनका एक बेटा है जिसका नाम यासीन है। सितंबर 2003 में तबरेज की मौत हो गई थी। फरीदा ने 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में काम किया, इनमें राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, कहो ना, प्यार है, कभी खुशी कभी गम शामिल है, उन्हें दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए भी याद किया जाता है। फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी पर भी काम किया है। वो शरारत में नजर आई थीं, जो खूब हिट हुआ था। साल 2017 में फरीदा की मौत की अफवाह उड़ी थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गई थीं और उन्हें पब्लिकली इस अफवाह को सिरे से खारिज करना पड़ा था। तो दोस्तों, फरीदा जलाल जी की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।